राठ क्षेत्र के पुलिस थाने किस तरह अपराधियों के साथ सांठ गांठ कर चलाए जा रहे हैं, ये सोमवार को एक बार फिर सामने आया। करीब 18 दिन पहले शांजापुर थाना अधिकारी के बाद अब नीम राणा पुलिस थाना अधिकारी को भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने निलंबित कर दिया है। उन पर मंथली लेकर गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियों का अड्डा चलवाने के आरोप सामने आए हैं। गोपनीय शिकायत मिलने के बाद एसपी जोशी ने जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। एसपी राममूर्ति जोशी ने 28 अक्टूबर को नीम राणा डीएसपी से दबिश डलवाकर गेस्ट हाउस से पश्चिम बंगाल की दो युवतियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस थाने में मंथली पहुंचाने की पुष्टि हुई तो नीम राणा थाना अधिकारी हरदयाल सिंह यादव और कांस्टेबल हवा सिंह को निलंबित कर दिया गया। एसपी का कहना है कि दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं, प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। इनकी विभागीय जांच की जा रही है, तब तक ये निलंबित रहेंगे और मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन भिवाड़ी रहेगा। नीम राणा थाना अधिकारी के विरुद्ध और गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस गोपनीय शिकायत की वृत्ताधिकारी नीम राणा द्वारा जांच की करवाई गई तो प्राथमिक जांच से वो चीज प्रथम दृष्टया साबित हुई है। उस आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है, अतः उन्हें निलंबित किया। अच्छा, ड्राइवर भी साथ में उसके हवा सिंह की सुनने मारा है। ड्राइवर की भी भूमिका के बारे में वृत्ताधिकारी की रिपोर्ट। पहरोड थाने में फायरिंग कर पपला गुर्जर को भगा ले जाने की घटना के बाद भी राठ क्षेत्र में थानों में पुलिस कर्मी भ्रष्टाचार और अपराधियों से सांठ गांठ नहीं छोड़ रहे। करीब 17 दिन पहले शांजापुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को मिली भगत से जोनाइचा में हाई प्रोफाइल जुआ घर चलवाने के आरोप में निलंबित किया गया था। कार्यवाही से पहले भिवाड़ी एसपी जोशी ने थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के लिए भेजा था। मिली भगत के चलते सूचना पहले ही लीक हो गई और एसपी को छापेमारी में कुछ भी नहीं मिलना बताया गया। इसके बाद एसपी जोशी ने डीएसपी लोकेश मीणा के जरिए गोपनीय दबिश दिलवाई गई तो सारी पोल खुल गई। इससे पहले बीते 6 माह में शांजापुर भिवाड़ी डीएसपी नीमराना बहरोड ततारपुर में इसी तरह के मामलों में करीब 20 थाना अधिकारी व पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 28 अक्टूबर 2020 को पुलिस उप अधीक्षक नीमराना लोकेश मीणा ने एसपी के निर्देश पर नीमराना जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित यादव गेस्ट हाउस पर पीटा एक्ट की कार्यवाही की। मौके से बंगाल से भाड़े पर लाई गई 2 लड़कियों, ग्राहकों और गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि इन लोगों से पूछताछ में नीम राणा पुलिस थाने में कांस्टेबल के जरिए मासिक चौथ अदा करने की पुष्टि हुई। एसपी को शराब व दूध माफिया से भी संबंध होने की पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी। इस वजह से एसपी ने थाना अधिकारी हरदयाल सिंह यादव और कांस्टेबल हवा सिंह को निलंबित किया है।